हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। ज्योग्राफी की सीरीज में हम आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम बहुत सिस्टमेटिक वीडियोज आपके साथ लिए ला रहे हैं, जैसे कि चैप्टर वाइज पहले ब्रह्मांड हमने पढ़ाया, फिर सौरमंडल पढ़ाया, अब जो है कुछ रेखाएं और पृथ्वी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कुछ हमने सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो छूट गए थे वो हमने लिए हैं इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इसी तरीके की वीडियोज पानी है। तो अगर हाँ, आप SSC बैंक और SSC रेलवे और UP SSC इन सब कोई भी एग्जाम में जा रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी का रोल इंपॉर्टेंट है, तो इन वीडियोज को देखना ना भूलिए, क्योंकि ये वीडियो की जो सीरीज आ रही है इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बनने के चांस बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम। तो ये वीडियोस आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सिर्फ मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया है, मैं इनको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ध्रुव तारा की दिशा सदैव होती है, पहला क्वेश्चन। इसके बाद की सीरीज में अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसी की आगे की सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा की दिशा सदैव होती है। तो ध्रुव तारा के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, एक ध्रुव तारा तारों में बहुत फेमस है, और ध्रुव तारा की जो खोज है, ध्रुव तारा की जो दिशा है वो है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की तरफ। तो दिशाएं, अच्छा दिशा की बात आ गई, चलिए दिशा में कुछ बातें एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, आपको दिशा के बारे में कुछ पता है क्या? ये देखिए, ये है दिशाएं, ऊपर की तरफ होता है उत्तर, यहाँ होता है पूरब राइट में, और यहाँ होता है पश्चिम लेफ्ट में, लेफ्ट में आपका पश्चिम होता है, पीछे की तरफ दक्षिण होता है। अगर मैं इस तरीके से लिखा खींच दूँ तो ये हो गया उत्तर पूरब, इसे कहते हैं उत्तर पूरब। इस तरीके से इधर इधर कहेंगे इसको दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इधर लिखिए इधर, यहाँ हो गया दक्षिण पूरब और ये हो गया उत्तर पश्चिम। इस तरीके से आठ दिशाएं होती हैं, कितनी हो गई? आठ। तो दिशाएं दोस्तों आठ हो गई, दिशाएं आठ होती हैं, ये बात याद रखिएगा। लेकिन वैसे दिशाएं दस होती हैं, मतलब अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं तो वैसे दिशाएं दस होती हैं, क्योंकि लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दिशाएं आठ होती हैं, है ना। और ये रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करेगा, इस चार्ट को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। तो जैसे कि रीजनिंग में क्वेश्चन आता है ना कि मोहन 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, फिर पूरब की तरफ चला, फिर मुड़ जाता है, फिर दक्षिण की तरफ जाता है, तो आप जब एरो बना पाएंगे तभी जाके काम हो पाएगा, जब तक आप ये समझेंगे, है ना। वैसे जैसे कि राजा दशरथ को हमने सुनाया कि 10 दिशाओं का ज्ञान था, 10 दिशाओं में वो जा सकते थे, 10 दिशाओं में जा सकते। रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था और राजा जो दशरथ थे वो 10 दिशाओं में भ्रमण कर सकते थे, है ना, 10 दिशाओं में, इसीलिए उनका नाम दशरथ था। 10 मतलब 10 दिशाओं में और रथ माने चल सकते थे, है ना। आइए हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है, यहाँ समझाते चलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा समझ लीजिए, जो ये खड़ी रेखाएं हैं इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड, है ना। और जो ये पड़ी रेखाएं होती हैं पृथ्वी के अंदर जो ग्लोब में, ये पड़ी रेखा इस तरीके की रेखाएं होती हैं, इन्हें अक्षांश रेखा या लेटिट्यूड रेखा कहते हैं, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, इन्हें हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और वर्टिकल रेखा उन्हें कहते हैं जो देशांतर होती है, इस तरीके की रेखाएं होती हैं ये वर्टिकल होती है, इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। किसी में एक रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा और इन्हें कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कैसे? पश्चिम से पूरब, मतलब उल्टा घूमती है ना, पश्चिम से पूरब, मतलब उल्टा घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ आती है, पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के तरीका हमने पिछले वीडियो में बताया, दिखाया भी था ग्लोब में आपको। तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ग्रह कैसी ग्रह हैं? देखिए, ग्रह दो प्रकार के वैसे मेनली डिवाइड हुए हैं, यानी जो आपके प्लैनेट हैं, पहले तो हो गया एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, उसके बाद आता है आपका पृथ्वी, फिर मंगल, ये आपके इंटरनल हैं। एक्सटर्नल बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये गैसीय ग्रह हैं, जो जो एक्सटर्नल हैं वो गैसीय ग्रह हैं, इंटरनल जो हैं उनमें जीवन नहीं संभव है, एक्सटर्नल में जीवन नहीं, क्योंकि उसमें गैसीय ग्रह चाहिए, है ना। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी का 2/4% घेरता है। तो जो भारत है पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो भारत का प्लेस है जरा सा
ये 2.5% क्षेत्रफल ही जमीन का वो लेता है, पूरी पृथ्वी का वो 2.5% की जगह घेरता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड चंद्रमा है, ये बात पता चल गई आपको। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी क्रमशः कहलाती है, तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं जो कि 4 जुलाई को होती है, और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं जिसे 3 जनवरी को होती है। जैसे तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये सूर्य है हमारा, ये पृथ्वी है, ज्यादा दूरी है डिस्टेंस, इसे कहते हैं अपसौर। ये कब होता है? 4 जुलाई को। ठीक है, इसीलिए 4 जुलाई को पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन माना जाता है। अब आप पूछेंगे भारत में तो ठंडा नहीं होता है, तो सिर्फ भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पृथ्वी में एक एवरेज लिया गया है टेम्परेचर कि पृथ्वी में 4 जुलाई को अपसौर होता है, और इस दिन सबसे ठंडा दिन शीतल दिन माना जाता है, शीतल दिन माना जाता है, ठंडा बहुत नहीं कह सकते, शीतल मान सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, और उपसौर की स्थिति क्या होती है? उपसौर की स्थिति क्या होती है? सूर्य थोड़ा पृथ्वी के पास में रहता है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी पास में होती है, तो इसे कहते हैं उपसौर। ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को, ये बात भी आपको याद रखनी है। 4 जुलाई की एक बात और याद रखें कि 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर होगी पिक्चर। इसके बाद देखिए, भारत की मानक देशांतर रेखा है तो ये है 22.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक देशांतर रेखा कहते हैं। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ये आपको याद रख लेना है, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है बिग बियर, बिग बियर एक चीज है जो से नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, बिग बियर इसे याद कर लीजिए, और पेपर टू का भी क्वेश्चन आ जाता है, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन आपको ट्रीट करने को मिलेंगे। ठीक है, महाविस्फोट का सिद्धांत, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था अपने पहले वीडियो में, महाविस्फोट का सिद्धांत, अगर आपने फर्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि महाविस्फोट का सिद्धांत क्या होता है, और ये सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंटर ने दिया है, जॉर्ज लेमेंटेयर ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का तारा सूर्य के बहुत निकट है, और सूर्य भी एक तारा है, ये भी आपको पता होना चाहिए जो पृथ्वी के सबसे निकट है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है, सूर्य की उम्र कितनी? 5 बिलियन वर्ष। 200 बिलियन कितने जीरो होते हैं? ये तो आपको गूगल करना होगा, गूगल करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि बिलियन में कितने जीरो होते हैं। अगर बिलियन में कितने जीरो, जब आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे सूर्य कितने दिन तक चलने वाला है, सूर्य की उम्र कितनी है, 5 बिलियन वर्ष, बहुत होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 16.16 सेकंड में, 8 मिनट 16.16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, इतना टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपको पता है, जो कि मैंने पहले वीडियो में डिस्क्राइब भी किया था अपने पिछले वीडियो में, तो जरूर देखिए। सूर्य के सबसे बगल में बुध है, बुध के सबसे बगल में कौन है बता दो? शुक्र है, शुक्र के बगल में कौन है? पृथ्वी है, पृथ्वी के बगल में कौन है? मंगल है, और मंगल के आगे कौन है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मंगल के आगे कौन कौन से ग्रह हैं, अगर आप लिखेंगे तभी आपको नॉलेज होगा, तभी आपको याद होगा, रिमाइंड होगा, है ना, तो कमेंट में लिखिए। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहीं तक, इसके आगे की सीरीज हम नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे, कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिए ज्योग्राफी के, मजा आ जाएगी। अगर आपने पूरे वीडियो देख लिए तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, इतना नॉलेज आएगा कि पेपर रीड करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।